हेलो एवरीवन, नमस्ते सारे जो, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है सैटरडे और शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं जस्ट ऑफिस से आई और जस्ट अभी निकल गई पार्क के लिए। यस, तो अभी मैं जा रही हूँ रनिंग करने, फिर खुशबू एंड पल्लू वो ऑफिस में है, फिर वो जब आते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक मैं अपना ख़त्म करके आती हूँ रनिंग वगैरह। एक सल्यूट इन लोगों को, बेचारे सारे दुनिया का गंद उठाते हैं लोग। सो यस, अभी मैं जाके आती हूँ, फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। टक्कर भी जाते हैं कई बार। सो बाय। सो अभी मैं आई हूँ जनरल स्टोर पे एंड से मैं फ्री हो गई थी पार्क से आके, फ्रेश हुई, फिर सारे सोए थे, फिर मैंने सोचा कि कुछ अच्छा इधर का आना, अपने सामान ले लिए जाए। सो मैं बाहर आई थी, कुछ सामान लिया मैंने आज, सब्जी नहीं थी कुछ भी आई, फिर जब एक बार मार्केट जा, नींबू दे दो मेरे भाई, दो तीन दे दे, दो ही दे, अच्छा ख़राब हो जाते हैं। बेचारे भैया ने पैकिंग कर लिया था सब्जियाँ, बट खोल दिया फिर से, तो मैं सामान लेके आई। मैं फिर मेरे कुछ सॉसेस ख़त्म हो गए थे, लाइक मेयोनीज वगैरह, टमाटो, केचप, ये वो सो। फिर गई था मैं ये वाली मैगी ट्राई करना जिसने नहीं करी, बहुत अमेजिंग मैगी है। फिर क्या होया भाई, थे मैं पूरा मूड बना के चली, पहले मैं पार्क आते आई, फिर फ्रेश फ्रुश हुई, फिर मुझे बड़ा लेजी सा फील होया करता था, मैं क्या करूँ अब। फिर मैं थोड़ी देर से आई, फिर उसके बाद मैं क्या, चल आज बाहर ही खाई होती गली मुली। फिर ये रस्ते में जो एडा मैं क्या पूता खाई आना, इन्ना मरना कल भूखियाँ, फिर मैं क्या जितने पैसे मकली अगर खर्चे देने इतना तो इतना सामान आ जाना है ना, थोड़ी अक्कल आएगी मतलब मैं जो बीच रस्ते जाएगी। फिर मैं कि तेड़ा भाई समान समून लिया सारा, मैं आज घर आई सड़ दे। आज पार्क में मुझे एक लड़का मिला था चंबा का, बोलता मैं आपको एक साल से देख रहा हूँ और आपसे बात करने की ट्राई कर रहा था बट हो नहीं रही थी मुझसे, तो मतलब पिछले साल भी देख रहा था, फिर सर्दियाँ तो जान छड़ रहा था मैं, हूँ गर्मी वास्तव चलो मैं डेली जानती ते वे, मैं कहता पाउगला ही लेना था, बोले नहीं मतलब हो जाता ना इनसिक्योरिटी, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा सामने वाला। तो फिर यहाँ से मेरे निकला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच पाऊ, इत ही रहते इसे पीछे कित की। सो यस, अगर मैं आपको दिखती हूँ तो आप मुझसे बात कर सकते हो। वैसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मुझसे बात करते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे बात करते हो। ठीक है, तब क्या लग रही थी, देखती रोटी बनानी 9:30 हो गई है, मैं बना दी जरा फटाफट, गलान दे गलान दे। सबसे पहले हम बॉयल करेंगे पास्ता, वो देखो बाहर का रास्ता। सो ये मैंने डाल दिया है पास्ता उबलने के लिए, इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लगाया है, मतलब पानी बीच थोड़ा सा पानी थोड़ा सा सॉल्ट पाया करना, उसके बाद पास्ता पाई दिया। सो ये मेरा पास्ता उबल चुका है बिल्कुल, यहाँ पे मैंने चॉपिंग करा है, यहाँ मैं ना शिमला मिर्च भैया डालना ही भूल गए लिफाफे में, शिमला मिर्च और लहसुन रह गया वहीं पर, और टमाटर पता है सबसे मेन चीज़। तो अभी हम काम चलाएँगे प्योरी के साथ, चलो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले निकाल लिए हैं, तो अभी मैं लगाती हूँ तड़का ज़रा, फिर मिलती हूँ आपसे। ये मैंने इसमें डाला है अदरक एंड लहसुन का पेस्ट और शिमला मिर्च, सॉरी हरी मिर्च एंड मशरूम और प्याज। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी केचप, नहीं टोमेटो सॉस, क्योंकि हमारे पास टमाटर नहीं है। लो जी, हमारा पास्ता इज रेडी और इतना डिलीशियस बना ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, सीरियसली। तो ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, क्या गाना सुना यार, तुमने आज इतना अच्छा गाना गाया, इसको छेड़ रही है पता नहीं क्यों, गार्निश तो हम करेंगे हरी धनिया के साथ, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यम। चलो भाई चलो टेस्ट करो कैसे बना है, कैसा बना दिस इज वाह, संजीव पूना से मास्टर, मास्टर से आप फेल, सारे मास्टर से आप फेल आज की डेट में। सो रिव्यू आपने देख लिया है मेरे पास्ते का, मैं सोच रही हूँ कि
मैगी नहीं बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि मैं थक गई सच में बहुत ज़्यादा। अगर मैं नहीं बना सकती मैगी, यही मैगी मैं कल बनाऊंगी। सो अभी पास्ता खा के गुजारा करते हैं वैसे, और सब्जी भी है तो एक दो दो रोटी लगा के, थोड़ा लेट अगर भूख लगेगी इसको खाने के बाद तो पहले मैं खा लेती हूँ, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। आइए आप लोग भी, तो ज्यादा बटरिंग हुई है। चलिए मैं तब तक इंजॉय करूँ अपना पास्ता, एंड आप देखो। क्या पता है ना आपको। सो अभी हम लोग जस्ट खाना खा के हुए फ्री, उसके बाद हमने थोड़ी सी रोटी खा ली थी, एक एक रोटी और सब्जी बची हुई थी वो खा ली थी, एंड वहाँ पे मैंने चने भिगो दिए सुबह के लिए, सुबह के लंच के लिए, सुबह तो परांठे बनेंगे। कल मेरी जो फ्रेंड है प्रीति वो आ रही है लंच में, लंच पे आएगी वो, तो उसके लिए उसे ब्लैक चने बहुत पसंद है, तो कल मैं उसके लिए बनाऊंगी ब्लैक चने राइस वगैरह वगैरह लंच में। कल इतनी गर्मी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, और टायर्ड भी बहुत हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या नचा तैड़ी ते पाए से दी रिटर्न पाए तरह सनस्क्रीन का रिटर्न पाए तो सनस्क्रीन मंगा रखा है रिटर्न पाना। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सारा किसी ना किसी को अच्छी लग रहा है। से एक थिपाया, ओ ये थिपाया, एक थिपाया। मेरी बहन, बहन मेरी बहुत बिजी है एक्चुअली, सर में ड्यूटी ला रही है, कूलर भरने रही। कूलर इतना बड़ा भी इस कम से कम घटो घट ज़्यादा नहीं तो 5-6 बाल्टियां पानी दी पैंती, कहने मैं रोज़ पाई पाई थकी रही थी, मैं लास्ट तो तू ही पाई दे भाई। तो अभी ये भर रही है कूलर, फिर सोएंगे। डेली एक ही रूटीन, तुम्हें बोलना मैं यहाँ थकी रही, तो एक ही चीज़ करते करते देखते देखते पर मैं क्या करूँ, बड़ी सारी चीज़ा ही है भाई जड़ी कि मुझे रोक देंदी, कहने मैं कुछ कर ही नहीं सकती, कर नहीं सकती इन द सेंस कि मैं घूमी फिर नहीं सकती है क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी देखनी पैंती ना आ कर। सो आपको मेरे इन्हीं ब्लॉग्स के साथ सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, एंड आई नो कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और आप ऐसे ही प्यार करते रहोगे, और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार करें। और मेरी सहेली इसी के साथ बेस्ट लीन लगाती हुई, हाँ जी आपकी सुंदरता का क्या राज है, जो आप इतने सुंदर हो इसका क्या राज है, आज लोगों को बताएं। नहीं ये बेस्ट लीन लगाती, इनकी सुंदरता का राज गाइस ये पीली वाली प्यूड़े वाली बेस्ट लीन, तो ये डेली प्यूड़े वाली बेस्ट लीन लगा दे। तो बस यही था हमारा सैटरडे, पूरा दिन ऑफिस में, फिर अभी जो भी किया हमने इतना ही किया, और यहाँ लगाना बिल्कुल हल्के आपे मुँह आज मुँह समझना कपड़े धोने वाला चट्ठा नहीं समझना भैया केड़ा रगड़ ये के धुलाई में आप चिकन रहा तेरे पीछे से कर धुलाई में तू बड़े सुंदरी है ना, यहां से कुछ सुनना चाहते तेरे मुंह आते। थैंक यू सो मच गाओ, रोज एक की जगह पे नहीं रहूं क्या कर ली। थैंक यू सो मच बोले गाओ, थैंक यू सो मच बोले गाओ गाओ यहां चलो आसा था छोटा से गाओ आए ऐसे आपने स्किन खींचनी है अपनी ताकि ऐसे जूरिया ना पो। हां जी जूरिया ना पड़े उसके लिए ऐसे स्किन खींचनी है, ऊपर को ऐसे मसाज करनी है वैसलीन के साथ, कौड़ा तेल भी ला सकते हो तुसे जे लियाओ वैसलीन से लगाओ बढ़िया जे भाई बढ़िया जे कौड़ा तेल लियाओ तुसे वैसलीन है आई फाइल होकर काम। सो यही था गाइस, अब मिलते हैं आपसे सुबह, एंड तब तक हम लोग क्या करेंगे सोएंगे, अब यही होता है वीकेंड। यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ अपने पीछे, आप देख रहे हो मेरी मम्मी की पिक्चर्स, कुछ एक पिक्चर्स अभी लेके आनी है मुझे, फिर सब पूरी दीवार सजानी है बढ़िया करके। ते दो ही बाल्टियां पाई कूलर च, बंद कर दिया तीन अड़ी एक और पाए दे पैगा, फिर थोड़ा लेट उठना था फिर पानी थोड़े मुके बंद कर दिया ढक्कन, कुछ नहीं करना पाया थी छुते में आना काम करी के हुआ। सो यस मिलेंगे अब सुबह, कल आएगी प्रीति, एंड कुछ बोलना तू दो तेरे फैन बोला है मेरे भाई पल्लू को नहीं लेते हो आप ब्लॉग में भाई, कोई की बीजे ठाकुर तेने तड़ी अति कराई रही आया कौन से बीजे पता नहीं नहीं पता एक बीजे ए सारा फैन बीजे बीजे को सी ब्लॉग में जे नहीं सू जो तो तीसरे पुराने हुए आई बेचारे रे एक प्रियंका ठाकुर ही
ते सलाइरी भाई खुशबू से रोटी यार कुछ वो एक जरूरी बात बोलनी थी आपकी। कोई डाई हार्ड फैन है कोई प्रियंका ठाकुर भाई थी सर तू लोड़ी ब्लॉग आज से बोले रहे हेलो हाय प्रियंका कैसी हो से बोले रहे भी खुशबू ते ब्लॉगिंग कराओ तो बैगा तू एड़ा करना भी मेरा फोन ले लेना मैं स्टार्टिंग कर दी ब्लॉगर हेलो गाइस मेरा अपना चैनल करना मैं तेरे चैनल पर की करना हूं ध्यान से देख के सेल्फी औरत को ध्यान से देखो इसको मेरा मतलब कि जब तक आपका चैनल नहीं है तो आप तब तक तो आ ही सकते हैं मेरे चैनल पे कि नहीं आना है आपने आपके चैनल पे तो आ ही रहे हूं तो पैसे दो पैसे तब आएंगे दिहाड़ी देनी पर तू सन 50,000 रुपया फ्री में काम कर रहे हैं हम गाइस एक ब्लॉगर बनाने करते हम फ्री में काम कर रहे हैं इसके साथ। चल दो शब्द बोलो प्रियंका ठाकुर बेचारी से थी जो देखना चाहिए पता नहीं क्या कर ली बड़े सारे लोग बोल दे थैंक यू सो कोई एक बहुत बड़ा कमेंट आया था मैं कनाडा से थे वो मैम आई थिंक हम हिमाचल के ही हैं तो बड़ा कुछ लिखा था कि बहुत सारा प्यार देना खुशबू को पल्लू को और आप लोग इंस्पिरेशन हो थैंक यू वेरी मच मैम मुझे आप मैंने आपका कमेंट पूरा पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के जब आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पांस देते हो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना सीरियसली हम सब इकट्ठे होकर पढ़ते हैं और मतलब डिस्कस करते हैं कि यार लोगों को अच्छा लग रहा है हमारे हम जो दिखाते हैं तो ऐसे ही है बस पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए पढ़ने दीजिए एंड टचवुड की अभी तक कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं है कोई भी आदमी और ना हो टचवुड हो भी तो वो उनकी पर्सनैलिटी है यार। हाँ जो भी है तो बट अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है और हमेशा आगे भी ऐसे ही चलता रहे आप लोग बहुत प्यार देते हो उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सबका और बस यही हाँ तुझसे भी ऐसा टबरा सा ही किचके बोले तो मुँह कितने कितना अब तुझसे लग रही बोल दीजिए हाँ क्या बोल सकें तो बोले आपसे खुश बुरी गल बड़ी मैं इंजॉय करा तो तू किचकी मार पे लड़ाई लो दस हिंदी हूँ बड़े घट गलांदे कने आप मैं दस गलांदे नहीं हिंदी है दिल्ली में एक जगह हम मैंने और पल्लवी ने कुछ टाइम जॉब साथ में की थी तो उधर बड़ी मतलब बड़ा मुश्किल हुई है तो होती मैं आते मंडियाली थी तीन दसना था वैसे इतनी रिलेशन नहीं बताने पड़ते ना यार मात लगी मंडियाली निकलती हम क्या करो सारी गाली लगी वो सुनती चलो मंडियाली प्यार है और गर्व है हमें हम मंडियाल है क्यों जी ठीक है जी सही जा रहा हूँ ओके गाइस आप भी सो जाएं एंड सही की रोने तो सता तो सब ब्लॉग देखना तो तैयार होने हुई थी बाय गुड नाइट टेक केयर मिट्टी की खुशबू खुशबू खाने से मिट्टी कूलर लगाया यहाँ पे और कूलर के अंदर मिट्टी जमा हो गई थी ना कने जी पंख लग रहे सामने मेरी माता जी भी तो देखा करें मेरी मम्मी सही करी होंगी इस टाइम बचा रहे ते कूलर जब ऐसे स्लो इतने बचना है तब मिट्टी की बड़ी बांग की खुशबू आती भारत है।